कटनी कलेक्टर अभि प्रसाद एक नेत्रहीन बच्चे को आंखों की रोशनी दिलाएंगे। दरअसल कलेक्टर तिगमा स्थित शारदा माता रानी मंदिर के निरीक्षण के लिए गए थे, जहां उन्होंने कृष्णा को मंदिर में ढोलक बजाकर भजन गाते हुए देखा, जिसके बाद कलेक्टर ने कृष्णा की आंखों का इलाज करने का फैसला लिया और अपने ऑफिस बुला लिया। कटनी कलेक्टर कुछ दिनों पहले तिगमा स्थित शारदा माता रानी के मंदिर में निरीक्षण व दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नेत्रहीन कृष्णा चौधरी को देखा, जो मंदिर में ढोलक बजाकर भजन गा रहा था। उस दौरान कलेक्टर ने कृष्णा से बात की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। और अब कलेक्टर ने कृष्णा चौधरी की आंखों के इलाज का फैसला लिया है, जिसके लिए कृष्णा और उसके माता पिता को कलेक्टर ने अपने ऑफिस बुलाया और जबलपुर से डॉक्टरों की टीम बुलाई, जिसके बाद डॉक्टर कृष्णा की आंखों की जाँच करेंगे और जाँच के बाद कृष्णा को जबलपुर इलाज के लिए भेजा जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि वो कृष्णा का पूरा इलाज कराएंगे और भविष्य में उसकी कला को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। कृष्णा से मेरी मुलाकात 2 तारीख को 2/12 को दिसंबर में जो है वो तिगमा गांव के भ्रमण के दौरान हुई थी, जहाँ पे इन्होंने मुझे अपना ढोलक सुनाया था। बहुत ही मधुर आवाज़ थी। चूँकि कृष्णा दिव्यांग है, तब उस समय ये निर्णय लिया गया, उनके परिवार से संपर्क किया गया, क्योंकि माता पिता जो हैं उस समय कहीं बाहर गए हुए थे और अभी हाल में ही वापस आए हैं। तो इनके माता पिता से परामर्श किया गया, इनकी माता जी की आज थी, और प्रशासन ने ये प्रयास किया कि कोई संस्था जिसको विशेषज्ञ नॉलेज हो इसकी, वो इनका इलाज करे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।